Good morning students, Rizul here. Today we will start our new chapter, that is chapter number 1 of class 8, crop production and management. In this chapter we will study about different steps of crop production, and our first step is preparation of soil, means plow karna. ठीक है, सबसे पहले हम जहाँ पे भी क्रॉप को लगाना होता है उसको प्लो किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है सॉइल को. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा सोइंग ऑफ सीड्स. नेक्स्ट वन इज़ एडिंग मैनुअर्स एंड फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट इज इरिगेशन द क्रॉप. नेक्स्ट इज वीडिंग. वीडिंग मीन्स होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स. एंड नेक्स्ट वन इज़ हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग के बाद आता है हमारा थ्रेशिंग. थ्रेशिंग होता है कि ग्रेन्स को सेपरेट करना हस्क से. ठीक है, उसके बाद उसका स्टोरेज. मीन्स ये जो मेथड है हमारा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसके अंदर सीड्स को लगाया जाता है, सो किया जाता है. सीड्स को सो करने के बाद उसके अंदर मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, ताकि जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं सॉइल को वो मिल सकें, ताकि अच्छी क्रॉप हो. उसके बाद क्रॉप की इरीगेशन करते हैं. ठीक है, उसके मेथड्स भी हम लोग स्टडी करेंगे कि इरीगेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं कुछ. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वीडिंग. वीडिंग में क्या होता है, देखो जो जो हमारे जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो हमारी क्रॉप को ख़राब कर सकते हैं, उनको रिमूव किया जाता है, उसको वीडिंग कहते हैं. वीडिंग के बाद आता है हमारा हार्वेस्टिंग. जब अच्छे से जो क्रॉप पक जाती है, मैच्योर क्रॉप हो जाती है, तो उसको कट किया जाता है. कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट स्टेप इज़ अवर थ्रेशिंग. थ्रेशिंग में क्या होता है कि हस्क को ग्रेन से अलग कर दिया जाता है बाय विनोइंग. ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा स्टोरेज. ये सबसे मेन मेथड है हमारा स्टोरेज, क्योंकि ताकि जो पेस्ट वगैरह होते हैं उनसे बचने के लिए, इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए अपनी क्रॉप ग्रेन्स को स्टोर करके रखना चाहिए. ठीक है, सो लेट अस स्टडी अवर पार्ट वन. अब देखो, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को इस चैप्टर को करने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि क्रॉप होता क्या है एक्चुअली. When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale is called crop. देखो, जब एक ही तरह के जो प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको एक ही जगह पे लगाया जाता है लार्ज स्केल पे, उसको कहते हैं क्रॉप. जैसे अगर हम ऐसे कहें कि वीट की क्रॉप. वीट की क्रॉप का मतलब क्या है कि एक बड़ा एरिया है, एक फील्ड है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीट के ही प्लांट्स हैं. ठीक है, तो उनको कहेंगे वीट की क्रॉप. सो क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स. ठीक है, तो क्रॉप्स को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, सीज़न वाइज. जैसे हमें पता ही है कि हमारे इंडिया में अलग अलग सीज़न होते हैं, तो क्रॉप सीज़न होते हैं कुछ. एक होते हैं सीज़न वाइज जो हमारी क्रॉप है खारिफ क्रॉप, और एक होती है रबी क्रॉप. जो खारिफ क्रॉप होती है वो रेनी सीज़न में होती है. ठीक है, तो रेनी सीज़न में होती है, और इसको समर सीज़न क्रॉप भी कहा जाता है. ठीक है, और इसका जो टाइम है वो जून टू सितंबर का होता है. इसके एग्जांपल है पैडी, मेज, सोयाबीन. और अगर हम बात करें रबी क्रॉप्स की, तो रबी क्रॉप जो होते हैं वो विंटर सीजन क्रॉप है. खरीफ क्रॉप को समर सीज़न या रेनी सीजन क्रॉप भी कहा जाता है, और रबी क्रॉप्स को विंटर सीजन क्रॉप कहा जाता है. इसका जो टाइम है वो अक्टूबर टू मार्च का टाइम है, और इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. अब देखो, हमें पता है कि कैसे कैसे हमारे जो स्टेप्स हैं वो आगे बढ़ते हैं. पहले भी हम कर चुके हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोइंग आता है, उसके बाद एडिंग मैनुअर्स एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद हमारा इरीगेशन, इरीगेशन के बाद वीडिंग, वीडिंग के बाद हार्वेस्टिंग, एंड हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज. सो फर्स्ट हम स्टेप करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है. देखो, सबसे पहले तो इसके स्टेप में है प्लोइंग, और नेक्स्ट स्टेप में है इसका लेवलिंग. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, उसको क्या कहते हैं हम, प्लोइंग. और अगर हम बात करें लेवलिंग की, आफ्टर प्लोइंग, प्लो करने के बाद क्या होता है, वो जो हमारी सॉइल है उसमें कुछ क्रम्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस क्रम्स को ब्रेक करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको लेवल में किया जाए. तो आफ्टर प्लोइंग इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक क्रम्स विद लेवलर बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स. अब देखो, एडवांटेजेस क्या क्या हैं प्लोइंग के.
प्लो करने से क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं. फर्स्ट है लूज सॉइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ एयर स्पेस इन इट, दिस अलाउज रूट्स टू ब्रीथ इजीली. क्या होता है कि अगर हम सॉइल को लूज कर देते हैं तो उससे जो एयर का स्पेस है वो ज़्यादा हो जाता है, तो एयर का स्पेस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आसानी से जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगी. ठीक है, लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल, दस द प्लांट्स इज फिक्स्ड टू सॉइल फर्मली. तो लूज सॉइल से क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो अच्छे से सॉइल के अंदर डीप चली जाती हैं. ठीक है, तो उससे जो प्लांट है वो फिक्स्ड रहते हैं अपनी जगह पे. प्लोइंग अपरूट्स द वीड्स एंड किल देम, प्लो करने से क्या होता है जो नीचे वीड्स हमारी रह जाती हैं नीचे उसको वो अपरूट हो जाती है, ऊपर आ जाती है और कई बार किल भी कर देती हैं, प्लो से किल भी हो जाते हैं वो. तो लूज सॉइल मिक्स क्विकली विद मैनुअर और फर्टिलाइजर, जितनी ज़्यादा लूज सॉइल होगी उतनी ही आसानी से मैनुअर और फर्टिलाइजर उसमें घुलेंगे. ठीक है, मिल जाएंगे. लूज सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स. आपको पता है कि जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड्स माने जाते हैं. ठीक है, तो लूज सॉइल से क्या होता है कि अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ अच्छे से होती है. ठीक है, प्लोइंग ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फ्रॉम द लोअर लेयर्स टू द टॉप. अब देखो प्लो करने से क्या होता है, जो नीचे वाली लेयर है ना सॉइल की, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो घूम के ऊपर वाली लेयर में आ जाते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है जो नीचे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं. ठीक है, और हमारी जो क्रॉप होती है वो अच्छी हो जाती है. सो प्लोइंग इज़ डन बाय एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड प्लो. जो प्लोइंग है उसको एक इंस्ट्रूमेंट से इम्प्लीमेंट से किया जाता है, इसको प्लो कहते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. तो कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स के नेम दिए हुए हैं एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर में जो यूज़ किए जाते हैं. जैसे नंबर फर्स्ट है प्लो. प्लो क्या होता है, अ प्लो इज़ यूज टू प्लो फील्ड, इट इज़ मेड ऑफ वुड और आयरन. वुड का भी हो सकता है ये और आयरन का भी हो सकता है. यूजेज ऑफ प्लो, प्लो के क्या यूज़ हैं, क्या चीज़ करते हैं ये, फॉर टिलिंग द सॉइल. ठीक है, खोदने का काम करती है सॉइल को. फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द फील्ड, ताकि जो फर्टिलाइजर है उनको ऐड किया जा सके अच्छे से. फॉर रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स जैसे कि वीड्स. प्लो का यूज़ पहले किया जाता था, ठीक है, बुल से या फिर हॉर्सेस से या फिर कैमल्स की हेल्प से, पर आजकल जो है वो उनमें ट्रैक्टर्स का यूज़ किया गया है. ठीक है, एनिमल्स की बजाय ट्रैक्टर्स का यूज़ होता है आजकल. ये देखो पिक्चर में दिखाया हुआ है वुडन प्लो इस टाइप का होता है. ठीक है, इस टाइप का होता था पहले, और आयरन प्लो इस टाइप का होता था. ठीक है, और अगर हम बात करें बुल्स से जो प्लोइंग की जाती थी वो ऐसे की जाती थी. ठीक है, बुल्स की नेक के ऊपर आ जाती थी ये, और पीछे से यहाँ से प्लो किया जाता था. ठीक है, और अगर आजकल की बात करें तो आजकल इस टाइप से किया जाता है प्लो. ठीक है, पीछे ये लगा देते हैं इसका. ठीक है, प्लो लगा देते हैं तो वो प्लो करता जाता है ट्रैक्टर्स की हेल्प से. नेक्स्ट इज हो. अ हो कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन. ये भी आयरन या वुड की होती है. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन. देखो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रॉड मतलब चौड़ी और बेंट हुई हुई एक प्लेट लगी होती है आयरन की. ठीक है, एक एंड के ऊपर जैसे लक्कड़ की वो होती है एक स्टिक सी, उसके नीचे लगा होता है स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट. ठीक है, एक एंड पे टू वन ऑफ इट्स एंड. द बेंट प्लेट एक्ट्स एज अ नाइफ. और जो बेंट जो प्लेट होती है वो नाइफ की तरह एक्ट करती है. और यूजेस क्या है इसके देखो, फॉर लूजनिंग द सॉयल, फॉर रिमूविंग वीड्स. देखो इस टाइप से होता है हो. ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये पाइप से लगी हुई है और नीचे ये चीज़ क्या है, ये स्ट्रॉन्ग प्लेट है जो कि एक्ट्स एज अ नाइफ, जो नाइफ की तरह एक्ट करती है. ठीक है, नेक्स्ट इज कल्टिवेटर. इन लार्ज मतलब आजकल जो बड़े बड़े फील्ड्स में जो हमारी क्रॉप लगाई जाती है उसके लिए प्लॉइंग इज़ डन बाय कल्टीवेटर्स ड्राइवन बाय ट्रैक्टर्स, जो कि ट्रैक्टर से की जाती है. ठीक है, दिस सेव लेबर एंड टाइम. ये मेहनत भी कम लगती है इससे और टाइम भी कंज्यूम हो जाता है. ठीक है, तो मतलब टाइम भी कम लगता है. सॉरी, पहले जो था उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था और मेहनत भी ज़्यादा लगती थी, पर आजकल जो फार्मर्स का काम है वो थोड़ा आसान हो गया है पहले से. ठीक है, ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कल्टीवेटर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से कल्टीवेट कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा लेवलर. अ लेवलर इज़ अ लार्ज पीस ऑफ वुडन और आयरन प्लैंक.
ठीक है, ये भी वुड या आयरन का होता है. इट कैन ऑल्सो बी ड्राइवन बाई एनिमल्स और बाई ट्रैक्टर्स. इट इज़ यूज फॉर लेवलिंग द फील्ड बिफोर सोइंग द सीड्स, मतलब लेवल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, सोइंग सीड्स को सो करने से पहले और प्लो करने के बाद. तो ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है लेवलर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स. सो ये था हमारा पार्ट वन. रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट टू. शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.